Hello everyone, in this video we are going to discuss about a remaining systemic mycosis, coccidioids, paracoccidioids and blastomyces. So starting with the causative agents, this coccidioids is a whole genre and it includes the coccidioids immitis and coccidioids posadaceae. The disease caused by these agents is known as coccidiomycosis. Mycosis because it's a fungal infection or because it is caused by coccidioids. So, and that's why the disease is known as coccidiomycosis. The characteristics of this causative agent are, as all the systemic mycosis were systemic fungi were thermally dimorphic, so is the coccidioids. So thermally dimorphic, and it exists as a mole form. And there was an exception when we discussed about the systemic mycosis, ke all the systemic mycosis are thermally dimorphic. They exist in two forms, mold form and yeast form. But the exception was coccidioids. Coccidioids doesn't exist in yeast form. It exists in spherule form in the body at 37 degree centigrade temperature. In lungs, it will be converted into spherule form, not the yeast form. That spherule contains endospores. Or because all the systemic fungi were endemic, so iski jo natural habitat hai wo present is south western United States and Latin America, but in the soil of arid region. This is important to remember because aage jab hum iski pathogenesis, aage jab hum iski clinical findings padhenge aur sign and symptoms padhenge, to usme ek term aayega which would be related to this soil of arid regions. और इसका जो मोल्ड फॉर्म है वो हाइफिनेटेड स्ट्रक्चर होती है, तो वो जो हाइफी है उसके पास अल्टरनेटिंग ऑर्थोस्पोर्स एंड एम्प्टी सेल्स होते हैं. वो ऑर्थोस्पोर्स दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स एंड दीज ऑर्थोस्पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़. इनहेलेशन ऑफ दीज एयरबोर्न ऑर्थोस्पोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस कोक्सिडियोमाइकोसिस. बिकॉज ऑर्थोस्पोर्स दे आर वेरी लाइट and they are carried by wind, तो ये inhalation के through transmit होती है disease. If we discuss about its pathogenesis, then the same formula के पहले inhalation होगी in spores की, coccidioids के जो arthroconidia हैं they will be inhaled, then जब body में enter होंगे in the lungs, because all the systemic mycosis mainly causes lung infections, तो ये lungs में जाके ऑर्थोकोनिडिया इंटू स्फेरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. स्फेरियल अदर जो यीस्ट फॉर्म से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कि स्फेरियल लार्ज होता है, थिक होता है, विद डबल रिफ्रैक्टिव वॉल के साथ होता है. इन द लंग्स ये जाके रेप्लिकेट करेंगे एंड ग्रो करेंगे लंग टिश्यू में जाके. उसके बाद इनके एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, आई शो यू द पिक्चर. उसके बाद एंडोस्पोर्स जब फॉर्म हो जाएंगे तो ये जो स्फेरियल है वो रप्चर करेगा. रप्चर करने के बाद इसके सारे एंडोस्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे. रिलीज़ होने के बाद इनको मैक्रोफेजेस जो है वो इनकी फेगोसाइटोसिस करेंगे एंड फिर एज़ यूजुअल के मैक्रोफेजेस इनको किल नहीं कर पाते, तो ये जाके वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, अगेन रेप्लिकेट करते हैं विद इन दैट फेगोसाइट मैक्रोफेज के अंदर. उसके बाद वहाँ से निकल के ये डिसमिनेट हो सकते हैं अदर ऑर्गन्स में, वाया डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होती है या फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. देन या तो डिजीज़ आउटकम होगा, इफ़ द पर्सन इज़ हेल्दी, पेशेंट हेल्दी है तो इन्फेक्शन रिजोल्यूट हो जाएगा. इफ़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें फिर डिजीज़ प्रोग्रेस करने लगती है. दिस इज़ द पिक्चर विच शोज़ के ये पैथोजेनेसिस को शो करे, साइकिल इसकी जो है. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एक स्फेरियल है, ये स्फेरियल इसे ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, इसमें ये एंडोस्पोर्स बन गए, स्फेरियल विथ दीज एंडोस्पोर्स. जैसे ये एंडोस्पोर्स के साथ फिल हो जाएगा फिर ये रप्चर होगा और अपने सारे एंडोस्पोर्स रिलीज करेगा और ये एंडोस्पोर फिर ये स्फेरियल बनाएंगे एंड द साइकिल विल बी रिपीटेड. तो लेट्स समराइज अगेन द पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस की क्या थी कि पहले इनहेल होते हैं स्पोर्स. स्पोर्स जैसे इनहेल होंगे उसके बाद दीज स्पोर्स लंग्स में एंटर करेंगे. लंग के टिश्यूज़ में एंटर करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं. अच्छा, जब ये इनहेल होते हैं तो ये कोनिडिया के फॉर्म में होते हैं जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे. जब ये लंग में होंगे तो ये स्फेरियल के फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है. देन इन द लंग्स, इन द लंग टिश्यू में ये जब स्फेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ग्रो करते हैं. जब ये ग्रो और रेप्लिकेट हो जाएंगे
तो ये अपने अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगे, जब एंडोस्पोर के साथ भर जाएंगे तो फिर ये एंडोस्पोर अपना रिलीज़ कर देंगे। एंडोस्पोर को रिलीज़ करने के बाद एंडोस्पोर जब रिलीज़ हो जाएंगे तो ये वेरियस जो स्फेरियल हैं फिर बॉडी में डिसमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, ये मैक्रोफेज जब रिलीज़ हो जाएंगे तो मैक्रोफेजेस पहले इनको वो करेंगे, मैक्रोफेजेस इनको फेगोसाइटोसिस करेंगे, लेकिन मैक्रोफेजेस के अंदर भी ये सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करके उसके बाद ये वहाँ से निकलते हैं और फिर ये स्प्रेड होते हैं, फिर ये डिज़ीज़ आउटकम हो जाती है। एंड अगर पर्सन हेल्दी है तो वो रिजोल्यूट करता है डिज़ीज़ को, और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो फिर वो उसकी डिज़ीज़। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इन क्लिनिकल फाइंडिंग्स फर्स्ट इज़ के द डिज़ीज़ इज़ कॉल्ड कोक्सीडियोमाइकोसिस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेली फीवर। इस डिज़ीज़ का अनदर नेम है वेली फीवर। सबसे पहले इफ़ द पर्सन इज़ एसिम्प्टोमेटिक तो ही आर शी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स, लेकिन इफ़ द सिम्टम्स अपियर तो फर्स्ट सिम्टम्स आर फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड दिस फ्लू लाइक सिम्टम्स आर माइल्ड टू मॉडरेट एंड दे आर ऑफन सिमिलर टू द फ्लू विच रिजेंबल्स कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि ये फ्लू लाइक सिम्टम्स रिजेंबल करते हैं इस निमोनिया से। और द सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, कफ, हेडेक, मसल एक्स, जॉइंट पेन, आर्थेलजिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिजर्ट रिमोटिज़म। वाई दिस इज़ नोन एज डिजर्ट रिमोटिज़म? रिमोटिज़म बिकॉज इट रिजेंबल्स रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जो ये जॉइंट की डिजीज़ है। और डिजर्ट इसलिए, अर्लियर आई टोल्ड यू के यू नीड टू रिमेंबर दिस सॉइल ऑफ एरिड रीजन्स, बिकॉज दीज फंजाई आर एंडेमिक, दे कॉज डिजीज इन दोज एरियाज ओनली। तो ये साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड एरियाज के जो एरिड रीजन्स हैं विच आर वेरी ड्राई, विच आर वेरी वार्म, पर्टिकुलरली डिजर्ट एरियाज, बिकॉज डिजर्ट एरियाज आर दे कम अंडर एरिड कैटेगरी, तो वहाँ पर ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस डिजीज इज़ ऑल्सो नोन एज डिजर्ट रिमोटिज़म। डिजर्ट उसकी एरिया की वजह से रिमोटिज़म, बिकॉज इट रिजेंबल्स रिमोटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स में विच इज़ जॉइंट पेन। देन अगर डिजीज़ और प्रोग्रेस करिए, बिकॉज ये लंग्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो होंगे। कोक्सीडियोमाइकोसिस प्राइमरली इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड मोर सीवियर केसेज में लीड टू चेंजेस इन द लंग्स, जो हमें उस पर रेडियोग्राफी पे नज़र आते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के में होगा सीवियर कफिंग, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और जो चेंजेस नज़र आएंगे उसमें इन्फिल्ट्रेट डेनोपैथी एंड इफ्यूजन नज़र आती है। स्किन इन्वॉल्वमेंट होगी तो इन 10% पेशेंट्स में स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें ये सिम्टम्स आते हैं एरायथीमा नोड्यूसम एंड एरायथीमा मल्टीफॉर्म एंड अदर डिजर्ट बम्स। डिजर्ट अगेन बिकॉज डिजर्ट एरियाज में है और बम्स बन जाते हैं। बम्स आर द पेनफुल रेड टेंडर नोड्यूल्स स्किन पे, पर्टिकुलरली ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द स्किन, टिबिया और अल्ना पे ये रेड टेंडर नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसको हम एरायथीमा नोड्यूसम कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डिजर्ट बम्स और मल्टीफॉर्म। एरायथीमा मल्टीफॉर्म रेडिश या टारगेट लाइक स्किन लीजन्स बन जाते हैं। अगर डिजीज डिसमिनेट करिए, स्प्रेड करिए बॉडी में, तो लंग्स के बियॉन्ड जाएगी, अदर पार्ट्स में जाएगी और पर्टिकुलरली थ्री सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, CNS को, बोन्स को और स्किन के अदर पार्ट्स को। CNS में ये मेनिनजाइटिस कॉज करती है और मेनिनजाइटिस के सिम्टम में सीवियर हेडेक, नेक स्टिफनेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। बोन में ये ऑस्टियोमेलाइटिस कॉज करती है और स्किन में ये नोड्यूल्स कॉज करती है। देन अगर डिजीज़ अक्यूट थी तो सारे सिम्टम थे। अगर क्रोनिकली डिजीज़ परसिस्ट करे तो क्रोनिक पल्मोनरी कोक्सीडियोमाइकोसिस होता है, जिसमें लंग्स जो है क्रोनिकली डैमेज होते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, पोटेंशियल लंग डैमेज हो जाता है। लैब डायग्नोसिस में दीज फोर मेथड्स, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी है, कल्चर है, सीरोलॉजी है और स्किन टेस्ट है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे अगर हम लंग का स्प्यूटम लेंगे या एनी टिश्यू विच वुड बी एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली, तो वो स्फेरियल्स नज़र आएंगे, बिकॉज कोक्सीडियोमाइकोसिस बॉडी में स्फेरियल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कल्चर से बुरार से एगार पे ये इसकी हाइफिनेटेड स्ट्रक्चर नज़र आएगी विथ आर्थ्रोस्पोर्स। सीरोलॉजी में IgM और IgG एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होते हैं। IgM का जो IgM एंटीबॉडीज़ राइज होती हैं वो हम टेस्ट करते हैं उसके लिए प्रिसिपिटेंट टेस्ट,
और ये इंडिकेट करता है एक्यूट इन्फेक्शन को। जो IgG एंटीबॉडीज़ का राइज है वो हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, और ये इंडिकेट करता है क्रोनिक इन्फेक्शन को। अगर इनका जो टाइटर है वो डिक्रीज आ रहा है, दैट मींस के जो थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए दी गई है वो उस पर जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अगर राइज है तो राइज में दो कैटेगरीज हैं, IgM और IgG। IgM एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और IgG क्रोनिक इन्फेक्शन को, और उनके मेथड्स भी याद करने। अगर डिक्रीज है तो दैट मीन्स कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है। स्किन टेस्ट है, स्किन टेस्ट में जो भी हम एज ए एंटीजन लेंगे वो 5 मिलीमीटर इन ड्यूरेशन आफ्टर द 48 आवर्स इंजेक्शन के बाद अगर आ रहा है, दैट मीन्स के पेशेंट हैज़ बीन इन्फेक्टेड बट नॉट नेसेसरली कि वो एक्टिव डिजीज़ हो। देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसमें एम्फोटेरिसिन BA अल्ट्राकोनाजोल फॉर डिसमिनेटेड डिजीज़, अदरवाइज फॉर ओनली पल्मोनरी डिजीज़ केटाकोनाजोल इज़ यूज्ड, एंड नो प्रोफिलेक्टिक ड्रग, नो एनी वैक्सीन इज़ अवेलेबल। प्रिवेंशन ओनली इन्वॉल्व्स अवॉइड ट्रेवलिंग टू एंडेमिक एरियाज। So this was all about the coccidioids, and just a quick review. Coccidioids caused by coccidiomycosis is the disease, and it is caused by Coccidioides immitis and Posidaceae. ये thermally dimorphic है as all systemic fungi. ये mold के form में, लेकिन ये spherule के form में exist करता है in the body. This is very important to remember, and इसकी location ये arid regions में है, इसलिए इसके जो symptoms हैं desert rheumatism and desert bumps. और ट्रांसमिशन इसकी ये एयरबोर्न आर्थ्रोस्पोर्स, पैथोजेनेसिस में इन्हेलेशन होगी, फिर वो पहले स्पोर्स इन्हेल होते हैं, फिर वो स्पिरल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लंग में जाके ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपने एंडोस्पोर्स बनाते हैं, फिर एंडोस्पोर्स स्पिरल रप्चर होता है, एंडोस्पोर्स रिलीज होते हैं, फिर उनको वो मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये वहाँ पर जाके सर्वाइव करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, एंड अल्टीमेटली ये स्प्रेड हो जाते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है तो कोई सिम्टम एक्सपीरियंस नहीं होगा, अदरवाइज फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, स्किन की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर स्प्रेड होता है डिजीज़। लास्टली ये क्रोनिक पल्मोनरी कोक्सिडियोमाइकोसिस होती है। लेब डायग्नोसिस के दीज 4 मेथड्स, स्फेरुल नज़र आएंगे माइक्रोस्कोपी पे, कल्चर पे ये हाइफी नज़र आएगी, सीरोलॉजी में 2 एंटीबॉडीज़ हैं और स्किन टेस्ट अवेलेबल है, एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। और सेकेंड टॉपिक इज़ पैराकोक्सीडियोड्स। पैराकोक्सीडियोड्स इसका जो स्पीशी है जो डिजीज़ कॉज करती है वो है पैराकोक्सीडियोस ब्रेसिलेंसिस, और डिजीज़ का नाम है पैराकोक्सीडियोमाइकोसिस, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पैराकोक्सीडियोमाइकोसिस इज नोन एज साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, बिकॉज इन द नेक्स्ट डिजीज़ that we will discuss will be known as North American blastomycosis. तो यहाँ पर पैराकोक्सीडियोमाइकोसिस को हम कहते हैं साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। ये भी थर्मली डायमॉर्फिक के 2 फॉर्म्स होते हैं, मोल्ड फॉर्म जो जिसके विच कंटेंस एसेक्सुअल स्पोर्स को नहीं दिया, यीस्ट फॉर्म 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका यीस्ट फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो यीस्ट फॉर्म है वो थिक वॉल्ड है, एंड इट फॉर्म्स मल्टीपल बर्ड्स विच इज़ शोन इन द पिक्चर। And this picture or this diagram or this form of yeast resembles the steering wheel of a ship. और इसकी जो location है वो लैटिन अमेरिका के कुछ रूरल areas में है। Transmission again airborne conidia spores के through होता है। Pathogenesis इसकी कुछ important नहीं है, they जो inhaled spores हैं conidia हैं जब body में जाएंगे तो yeast के form में convert हो जाएंगे, और जो यीस्ट है वो किससे रिजेंबल करेगा, शिप कैप्टन्स व्हील फॉर्मेशन। उसके बाद वहाँ पे ये लंग्स के डिजीज़ कॉज करते हैं, अदरवाइज अदर ऑर्गन्स में डिसमिनेट कर सकते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मोर कॉमन इसके एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ही हैं, कोई ज़्यादा डिजीज़ कॉज नहीं करता, अदरवाइज लंग को अफेक्ट करेगा तो लंग लीजन्स हो गए, ओरल म्यूकोज़ा के लीजन्स हो गए, यहाँ पर नेक में लिम्फ एनलार्जमेंट हो जाती है। लेब डायग्नोसिस भी सिंपल है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कल्चर स्किन टेस्ट होती नहीं है, सीरोलॉजी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे हमने यीस्ट ही नज़र आएगा और यीस्ट की शेप होगी शिप कैप्टन्स व्हील, कल्चर पे हमने इसकी मार्फोलॉजी ये कोनीडिया वगैरह हाइफी नज़र आएगी। ट्रीटमेंट आइट्राकोनाजोल और वैक्सीन ड्रग कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और लास्ट टॉपिक इज़ ब्लास्टोमाइसिस एंड द सिस्टमिक फंजाय, और ब्लास्टोमाइसिस में जो कॉजिटिव एजेंट है वो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है,
दिस इज़ नोन एज ब्लास्टोमाइकोसिस डिजीज़ या फिर नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस. वो जो था वो साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस था, बट दिस इज़ नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस जो सिंपल ब्लास्टोमाइकोसिस है. कैरेक्टरिस्टिक अगेन दिस इज़ थर्मली डायमॉर्फिक एज ऑल द सिस्टमिक फंजाई. इन्वायरमेंट में ये मोल्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बॉडी में यीस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब दोनों की शेप देखें, इसका जो मोल्ड फॉर्म है वो स्मॉल पीयर शेप्ड होता है, ये दिखाया गया है. ये जो कोनीडिया है इसके, ये पीयर शेप्ड कोनीडिया, ये हाइफी है. हाइफी कंटेन एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर नोन एज कोनीडिया, माइक्रो कोनीडिया, ये पीयर शेप्ड है. और इसका यीस्ट भी इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन है कि जो यीस्ट है वो सिंगल है और ब्रॉड बेस्ड बर्ड है. ये इसकी ब्रॉड बेस है यीस्ट की. जो हमने पहले यीस्ट पढ़ा उसकी मल्टीपल बर्ड्स थी, अब यहाँ पर सिंगल यीस्ट है विथ ब्रॉड बेस्ड बर्ड. इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद करने होते हैं इम्पोर्टेंट फॉर पीसीक्यूज एंड एमसीक्यूज. और इसकी भी थिक डबल रिफ्रैक्टिव वॉल है, ये नज़र आ रही है इसकी, ये थिक डबल वॉल है, ये टू वॉल्स हैं. नेचुरल हैबिटेट इसकी मॉइस्ट सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये एंडेमिक इन एरियाज ऑफ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. ट्रांसमिशन अगेन ये कोनीडिया इन्हेलेशन से होती है. पैथोजेनेसिस एक्सपोजर टू सॉइल, पहले एक्सपोजर होगा उस सॉइल से विच विल कंटेन ब्लास्टोमाइसिस कोनीडिया, फिर ये इन्हेल होंगे इन्फेक्शियस कोनीडिया एंड इन द बॉडी दे विल बी ट्रांसफॉर्म इन टू यीस्ट फॉर्म. और फिर लंग के मैक्रोफेजेस इनको फेगोसाइटोसिस करेंगे, फिर ये मैक्रोफेजेस के अंदर सर्वाइव करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, वहाँ पे ये यीस्ट फिल्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगी. ये कौन से यीस्ट बनेंगे? ब्रॉड बेस्ड बडिंग यीस्ट बनेंगे, ब्रॉड बेस्ड बडिंग यीस्ट. और फिर लंग्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे जिससे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स डेवलप होंगे, कफ होगा, चेस्ट पेन, फीवर, लंग की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. इट विल बी फॉलोड बाई एप्सिस, दैन अल्सरेटेड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन. अल्टीमेटली डिजीज डिसमिनेट भी हो सकती है टू द स्किन और बोन. क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बिकॉज लंग्स को अफेक्ट करें तो पल्मोनरी सिम्टम्स परसिस्टेंट कफ होगी, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, फीवर चिल्स होंगे, नाइट स्वेट्स होंगे, फटीग होगा. क्यूटेनियस स्किन सिम्टम्स में स्किन लीजन्स होंगे, पल्स्यूज, नोड्यूल्स, अल्सरेशंस विच मे बी पेनफुल, विच मे बी पेनलेस. बोन एंड ज्वाइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बोन पेन, ज्वाइंट पेन, ऑस्टियोमेलाइटिस. जिनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं लीडिंग टू पेन, डिस्चार्ज या डिफिकल्टी यूरिनेटिंग. डिसमिनेटेड इन्फेक्शन होगा तो ये सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेगा, सीएनएस को इन्वॉल्व कर रहा है तो हेडेक, कन्फ्यूजन, सीजर्स होंगे. क्रोनिक पल्मोनरी, अगर डिजीज परसिस्ट करी है तो क्रोनिक पल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस होगी. लैब डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी है, उसमें क्या नज़र आएगा? यीस्ट नज़र आएगा, यीस्ट सेल विथ ब्रॉड बेस्ड बर्ड नज़र आएंगे. कल्चर पे पीयर शेप कोनीडिया नज़र आएंगे. सीरोलॉजी इज़ नॉट यूजफुल, स्किन टेस्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके लिए पीसीआर करते हैं जो ब्लास्टोमाइसिस का न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं. ट्रीटमेंट एट्राकोनाजोल और प्रिवेंशन नो प्रोफिलैक्टिक. इन सब में कोई भी प्रिवेंशन नहीं है ना, ये आज जो भी तीन सिस्टमिक माइकोसिस पड़े हैं इनकी कोई भी प्रिवेंशन नहीं है. नो वैक्सीन, नो प्रोफाइलेक्टिव ड्रग. ट्रीटमेंट भी तकरीबन एट्राकोनाजोल सेम ही है. लैब डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट है आपने माइक्रोस्कोपी और कल्चर इंपॉर्टेंट है. सीरोलॉजी सिर्फ एक में ही प्रेजेंट थी, कोक्सीडियोट्स में, बाकी दो में इट्स नॉट यूजफुल. तो माइक्रोस्कोपी में इसमें जो है यीस्ट सेल्स, जो इससे पिछला पड़ा पैरा कोक्सीडियोट्स, उसमें क्या था? मल्टीपल बर्ड्स, ये ब्लास्टोमाइसिस का है, ये मल्टीपल बर्ड्स है. और इससे पहले जो पड़ा वो शिप कैप्टन्स व्हील को रिजेंबल कर रहा था ना, ये वाले, सही. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिस्टमिक माइकोसिस एंड वी नाउ कम्प्लीटेड दिस सेक्शन. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट चैप्टर विच इज़ अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस.